हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी विथ मी स्टडिंग विथ द मी सेशन. टुडे आई एम गोइंग टू डील विद सम रैंडम टॉपिक्स इन आवर डेंटल मटेरियल विच आर जनरली आस्क्ड शॉर्ट नोट्स एंड वी हैव कन्फ्यूजन्स इफ वी डोंट रिवाइज देम प्रॉपरली एज एग्जाम्स आर कमिंग. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पोरोसिटीज. ओके, दीज आर माई डेंटल मटीरियल नोट्स फ्रॉम प्रोवाइडेड बाई माई टीचर्स फ्रॉम माई कॉलेज. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम पोरोसिटीज, व्हाट आर वी डीलिंग इज पोरोसिटी में अकर बोथ विद इन इंटीरियर रीजन ऑफ अ कास्टिंग एंड ऑन एक्सटर्नल सरफेस. इंटीरियर रीजन भी हो सकती है, इंटरनल कोई हमने कास्टिंग कर लिया जिस क्राउन का, ब्रिज का या जिसका भी, इंटरनल वहाँ कोई पोरोसिटी हो सकती है और सरफेस पे भी, एक्सटर्नल सरफेस पे भी पोरोसिटी हो सकती है. द लैटर इट मीन्स द एक्सटर्नल सर्फेस इज़ अ फैक्टर इन सर्फेस रेफरेंस. एक्सटर्नल सर्फेस पर जो पोरोसिटी होगी वो रेस्पॉन्सिबल होगी सर्फेस रफनेस के लिए, बट ऑल्सो इट इज़ जनरली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल पोरोसिटी. यहाँ हम बोल रहे हैं कि जो एक्सटर्नल सर्फेस पोरोसिटी होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है सर्फेस रफनेस के लिए, पर इट इज़ जनरली ड्यू टू इंटरनल पोरोसिटी. इंटरनल पोरोसिटी की वजह से ही जनरली वी आर सेइंग जनरली एक्सटर्नल पोरोसिटी होती है और सरफेस रफनेस आता है. ये एक्सटर्नल की बात हो रही है. नॉट ओनली डज द इंटरनल पोरोसिटी वीकर द कास्टिंग, वीकर बनाती है कास्टिंग को, बट इफ़ इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द सरफेस इट मे बी अ कॉज ऑफ डिसलोकेशन. अब हम इंटरनल पोरोसिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं. आई हैव मैंशनड हेयर ई एक्सटर्नल एंड आई इंटरनल, कि इंटरनल पोरोसिटी कास्टिंग को वीक तो बनाती ही है, बट अगर ये सरफेस तक एक्सटेंड कर जाए तो डिसलोकेशन का भी कॉज हो सकती है, जो इंटरनल पोरोसिटी है. ओके ओके, इफ सीवियर इट मे कॉज ब्लैक एक्यूमुलेशन एंड टू रेस्टोरेशन इंटरफेस एंड सेकेंडरी करीज में रिजल्ट. अब हम बात करते हैं कि लाइक जैसे हमने मेटल क्राउन का हमने कास्टिंग किया है और उसमें कोई पोरोसिटी आ गई है, इंटरनल पोरोसिटी हो या एक्सटर्नल पोरोसिटी हो, इफ़ सीवियर अगर होती है, यहाँ पे इंटरनल पोरोसिटी या एक्सटर्नल पोरोसिटी दोनों का कंबाइन पॉइंट कह सकते हैं हम, अगर पोरोसिटी सीवियर है इट मे कॉज प्लैक एक्यूमुलेशन एट द टूथ रेस्टोरेशन इंटरफेस. टूथ और रेस्टोरेशन का जो इंटरफेस है, या ये हम कह सकते हैं कि जिस टूथ पे हमने रेस्टोरेशन किया है उसके ऊपर जो टूथ और रेस्टोरेशन के बीच में अगर कोई गैप रह गया है तो फिर वहाँ क्या होगा कि प्लैक एक्यूमुलेशन होगा. देर इज़ समथिंग विच कैन एक्यूमुलेट लाइक फूड लॉजमेंट और वो सब हो सकता है, उससे सेकेंडरी केरीज हो सकती है. ओके, सो दिस कैन बी वन ऑफ द we can see what can be done if there is porosity, then what do we have to do. We generally हमें casting procedure वापस करना पड़ता है ऐसे cases में. Although the porosity in a casting cannot be prevented entirely हम prevent नहीं कर सकते, but minimize कर सकते हैं proper techniques का use करके. Okay, so porosities को हम अगर बात करें तो solidification defect, trapped gases और residual air के पार्ट में, तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है कि सॉलिडिफिकेशन डिफेक्ट की वजह से पोरोसिटी जो हो रही है कि प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर आ जाती है हमारी लोकलाइज श्रिंकेज एंड माइक्रो पोरोसिटी. ये दो तरह की उसमें आ जाती है सॉलिडिफिकेशन में अगर कोई डिफेक्ट हो गया है तो. ड्यू टू ट्रैप्ड क्रेसिस, अगर कोई गैस ट्रैप्ड हो गई है तो उसकी वजह से पिन होल पोरोसिटी होता है, गैस इंक्लूजन होता है और सब सरफेस पोरोसिटी होता है. ये तीन तरह की पोरोसिटी हमें मिलते हैं ट्रैप गैसेज में, और रेजिडुअल एयर एक उसकी जैसे भी एक पोरोसिटी हो सकता है. तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, जब हमने इससे पहले जब हमने वो पढ़ा था कास्टिंग प्रोसीजर पढ़ते हैं हम, तो उसमें जनरली बताते हैं कि इफ़ देयर इज़ नॉट प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन, थिन स्क्रू है या रिजर्वायर नहीं है, तो उसकी वजह से लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी, और माइक्रो पोरोसिटी भी उसी में आगे जाके आती है. अब कैसे स्ट्रैप्ड हो गई हम, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एक
होल क्रिएट हो गया है. देयर विल बी पिन होल पोरोसिटी, गैस इंक्लूजन्स, ग्लास के गैस बबल्स या गैस के जो रिमेनिंग कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कुछ ऐसा रह गया है. सो देयर विल बी एंड देयर विल बी सब सरफेस पोरोसिटी. सरफेस के अंदर कोई केमिकल हम कोई हम अगर कुछ मिक्स भी करते हैं तो जनरली एयर अगर एंट्रैप होके अगर सरफेस पे आ जाती है तो फिर वो रिमूव हो जाती है. बट अगर वो रिमूव नहीं हो पाती है तो वो सरफेस के अंदर रह जाती है एंड देट विल कॉज पोरोसिटी. सो वी आर सीइंग सब सरफेस पोरोसिटी. सो पिन होल पोरोसिटी, गैस इंक्लूजन एंड सब सरफेस पोरोसिटीज आर इंक्लूडेड इन आवर एंट्रैप्ड गैसेस. एंड इन सॉलिडिफिकेशन डिफेक्ट्स वी हैव माइक्रोपोरोसिटी एंड लोकलाइज पोरोसिटी. एंड द थर्ड टाइप इज आवर रेजिडुअल एयर, द सॉलिडिफिकेशन डिफेक्ट, सॉरी, ट्रैप्ड गैसेस एंड रेजिडुअल एयर. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ पोरोसिटीज एंड देन देयर आर फर्दर क्लासेस. सो लेट्स मूव ऑन टू गो इन डेप्थ ऑफ दीज पोरोसिटीज एंड ऑल. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी, वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर इज वाइल राइटिंग पोरोसिटीज इन एग्जाम्स और इन वाइवा क्वेश्चन एनी पर्सन आस्क, द रिमेडी ऑफ दैट पोरोसिटी मस्ट बी टोल्ड. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विथ लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी. वॉट इज दिस एंड हाउ वी कैन अवॉइड लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी? इट इज कॉज्ड ड्यू टू प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ फ्लो ऑफ मेटल ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन. नाउ वी कैन जनरली से कि हम कास्टिंग के अंदर ही जनरली पोरोसिटीज की बात कर रहे हैं, तो हम मेटल की प्रेफरेंस से हम पोरोसिटीज़ की बात कर रहे हैं. लेकिन जनरली हम पोरोसिटीज़ की बात वहाँ भी करते हैं जब एक्रेलिक, डेंचर और वन सब की बात कर रहे होते हैं. तो वहाँ पे फिर हम सॉलिडिफिकेशन नहीं, पॉलीमराइजेशन में कोई प्रॉपरली पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है तो वहाँ पे उस रेफरेंस में हम बात करते हैं. यहाँ पे जनरली हम कास्टिंग डिफेक्ट्स के सब टॉपिक्स में ये पढ़ रहे हैं. तो हम मेटल्स से रिलेटेड बात करेंगे कि इफ देयर इज नॉट प्रॉपर फ्लो ऑफ मेटल ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन दैट कैन कॉज अ लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी कॉज ड्यू टू प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ फ्लो ऑफ मेटल ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन. ओके, प्री मैच्योर टर्मिनेशन मतलब जितना मेटल चाहिए था जब तक उसको फ्लो करना चाहिए था उससे पहले उसका टर्मिनेशन हो गया, स्टॉप हो गया वो फ्लो ऑफ मेटल ड्यूरिंग जब वो सॉलिडिफाई हो रहा था तब, जिसकी वजह से हमारा लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी हो रहा है. सेकंड पॉइंट इज लीनियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल ऑलॉयज. जो फर्स्ट वाला था उसको समझने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने बोला था कि थिन स्प्रू नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिन स्प्रू होगा तो वो वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हमारा जो वैक्स पैटर्न है वहाँ तक फ्लो प्रॉपर मेटल पूरा नहीं जा पाएगा, देयर विल बी प्री मैच्योर टर्मिनेशन. नाउ लीनियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल अलॉयज इन changing from liquid to solid is around 1.2%, therefore 1.25%, sorry 1.25%, therefore continual feeding of molten metal through the spool must be occurred to compensate for casting shrinkage. Okay, what it is saying is linear contraction of noble matter alloys in changing from liquid to solid, solidification process ho raha hai तो मेटल जो फ्लो है मोल्टन मेटल है वो लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो रहा है. ओके, अब उसमें अगर लीनियर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो अराउंडली 1.25% होता है, जब वो धीरे धीरे लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो देयर इज सम कॉन्ट्रैक्शन. वी कैन इमेजिन कि अगर कोई लिक्विड है उसी का अगर हम लाइक इमेजिन वाटर है उसका हमको आइस बन रहा है तो देर विल बी, अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर को हम फैलाएं और उसको अगर कंडेंस करें एज आइस तो दोनों के सरफेस में देर विल बी सम कॉन्ट्रैक्शन. सो वी आर सीइंग लीनियर कॉन्ट्रैक्शन होता है नोबल मेटल का जब वो लिक्विड टू सॉलिड चेंज होता है और अराउंड 1.25% का होता है. तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देयर फॉर कंटिन्यूअल फीडिंग ऑफ मोल्टन मेटल थ्रू द स्प्रू मस्ट अकर, ताकि वो कंटिन्यूएशन में फ्लो होता रहे. देर शुड नॉट भी, ऐसा नहीं होता है कि हम थोड़ा थोड़ा डालते रहें, पता चला कि हमने कैलकुलेट कर रखा है कि इतना मेटल चाहिए होता है, इतना इसमें आ जाएगा एंड देयर इज़ कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग एंड देयर आर सम वॉइड्स रिमेनिंग इन दैट. इफ देयर विल बी कंटिन्यूअल फ्लो देन द कॉन्ट्रैक्शन कैन बी कंपनसेटेड.
Okay, so therefore the continual feeding of the molten matter through the sprue must occur to compensate for the casting shrinkage, ताकि casting में जो shrinkage हो रहा है उसको हम compensate करें, जो extra metal चाहिए वो provide होता रहे, that is shrinkage during solidification, तो हम उसे prevent कर सकें. तो एक तो ये तो एक बता ही दिया है कि मतलब क्या हो रहा है, due to linear contraction they can be localized shrinkage porosity, due to premature termination of flow of matter there can be localized shrinkage porosity, okay. And if the sprue solidifies before the casting, it usually results in localized shrinkage porosity. अगर sprue जो है वो पहले ही solidify हो गया है तो वो वही बात हो जाएगी कि thin sprue लिया है, फिर sprue जो है वो पहले ही solidify हो गया है, तो that will result in localized shrinkage porosity. It occurs usually if the sprue solidifies before the casting, it results in occurs usually near the sprue casting junction. Generally ये जो localized shrinkage casting localized shrinkage porosity है ये हमें sprue casting के junction पे ही मिलेगी. अब एक question के बारे में मैं आपसे share करना चाहूँगी. एक question था कि localized shrinkage porosity कब कब हो सकती है, जिसमें एक था option कि एक thin sprue की वजह से हो सकती है, no reservoir की वजह से हो सकती है, and two more options were there which was not actually the point of concern. जो फर्स्ट टू पॉइंट्स थे कि है ना स्प्रू का थिन होना उसकी वजह से लोकल श्रिंकेज पोरोसिटी ज़्यादा इफेक्ट होगी, या रिजर्वायर के ना होने की वजह से इफेक्ट होगी. रिजर्वायर क्या करता है कि फ्लो ऑफ वहाँ पे कुछ स्टोर करके रखता है, ताकि जब तक पहले सब जगह सॉलिडिफिकेशन हो लास्ट में वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो. स्प्रू के पास में ही जनरली रिजर्वायर लगाया जाता है ताकि प्रॉपर फ्लो आता रहे एंड देर शुड नॉट बी एनी लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी. वही अगर प्रॉपर थिकनेस होगी अगर स्प्रू की तो भी हमें शायद रिजर्वायर की ज़रूरत ना पड़े. सो मेन थिंग विल बी द स्प्रू थिकनेस शुड बी एडिक्वेट, इट शुड नॉट बी वेरी थिन. सो द ऑप्शन विच वी विल प्रिफर विल बी द थिन स्प्रू. अगर थिन स्प्रू होगा तो लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी होगी. अब हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, सेम थिंग इज हेयर, यूजिंग करेक्ट थिकनेस ऑफ द स्प्रू. ओके, अटैचिंग द स्प्रू एट द थिकेस्ट पोर्शन ऑफ द वैक्स पैटर्न. अब इसके दो रीज़न हैं कि थिकेस्ट पोर्शन पर अगर हम अटैच करेंगे तो एक तो फ्लो प्रॉपर रहेगा सब जगह रहेगा, एंड देर विल बी नॉट बी डिसलोकेशन. डिसलोकेशन की वजह से भी प्रॉपर अगर फ्लो नहीं हुआ तो पोरोसिटी आने के चांसेस हैं. फ्लैरिंग द स्प्रू एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहाँ अटैचमेंट है वहाँ पर फ्लैरिंग टाइप होना चाहिए. सो दैट फ्लैरिंग इज़ समथिंग लाइक कि ये ऐसा कुछ होना चाहिए, फ्लायर टाइप होना चाहिए, सो दैट इट कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन. प्लेसिंग द रिजर्वायर क्लोज टू द वैक्स पैटर्न, जैसा मैंने कहा था, ताकि कि वो पास में रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा तो एक्यूमुलेशन वहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा वो मेटल आगे तक जाएगा. फ्रॉम एज जैसे कि हम सेंट्रीफ्यूगल मेथड के थ्रू करते हैं तो मोल्डन मेटल विल फ्लो टूवर्ड्स अवर वैक्स पैटर्न एंड इट विल नॉट बी एक्यूमुलेटेड एट अ द पर्टिकुलर पॉइंट. ओके सो वन थिंग आई विल लाइक टू करेक्ट हियर विल बी द दैट द रिजर्वायर शुड सॉलिडिफाई एट लास्ट एंड मस्ट बी क्लोज टू द कास्टिंग टू फीड एफिशिएंटली. कास्टिंग के क्लोज होना चाहिए, जो मेन हम कास्टिंग कर रहे हैं, नॉट क्लोज टू दैट वेयर द अटैचमेंट इज देन. सो आई विल एक्सप्लेन इट हियर and read a bit about the reservoir. Reservoir is a small amount of additional wax added to the sprue former. Sprue former kuch additional wax hum add kar rahe hain. It prevents localized shrinkage porosity as the alloy at this part solidifies last after the solidification of metal in the mold. Mold ke andar jo metal ho raha hai usme sabse last mein wo solidify ho. ऐसा हम लोग रखते हैं, लाइक दिस इज़ आवर स्प्रू, देन इट शुड बी समवेयर क्लोज टू इट. दिस इज़ आवर कास्टिंग मेन, जो हम क्राउन वगैरह बना रहे हैं तो स्प्रू में इसके थोड़ा पास में होना चाहिए वैक्स पैटर्न के, ताकि कि फ्लो बराबर रहे वो सबसे, और वो सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई हो. द मेन पॉइंट इज कि वो सबसे ज़्यादा लास्ट में सॉलिडिफाई हो एंड लास्ट एंड मस्ट close to the casting to feed efficiency effectively. Okay.